जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग तिल्स प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। शून्य से शिखर तक पहुंचने वाला एक ऐसा स्टॉक जिसका इन दिनों शेयर मार्केट में खूब चर्चा हो रहा है, हर जगह इसकी बात हो रही है। मेरे पास भी कुछ लोगों के सवाल आए थे, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली हुआ क्या है कि शून्य रुपए से इसका प्राइस बढ़ के अचानक से चला गया था एकदम 70 रुपए के करीब, और कुछ लोग एकदम टॉप पे बाई किए हैं जो एकदम मतलब 70 रुपए 65 रुपए यहाँ पे बाई करके फंसे हुए हैं। अब फंसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लग गया है लोअर सर्किट, और सभी जानते हैं कि जब किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो लोग उसको बेच नहीं पाते हैं और प्राइस नीचे जा रहा होता है। तो इस मुश्किल से आप बाहर कैसे निकलेंगे यदि कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को फंसे हुए महसूस करें तो इसका उपाय बताऊंगा। साथ में कोई नया व्यक्ति है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको लगता है कि प्राइस नीचे आएगा थोड़ा सस्ता होने पर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसको क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर किए हुए हैं क्या उन्होंने ये काम सही किया है, इन्हीं सब मुद्दों को इन बातों को इस वीडियो में खंगालने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग कंपनी के काम धाम बाकी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन बीएस इंडिया की वेबसाइट पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने तिल्स प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। देखिए ये स्टॉक अभी ESM की कैटेगरी में आ गया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताते रहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक लोअर सेगमेंट में आता है तो उस स्टॉक को सेबी के द्वारा ESM में जेएसएम की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये स्टॉक अभी ESM की कैटेगरी में, बेसिकली जांच परख करने के लिए कि अचानक से इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी या इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है, इसके लिए एनहांस सर्विस लाइन मेजर बोलते हैं इसका प्रोग्राम, इसमें स्टॉक को डाला जाता है। अब इसमें कब तक रहेगा, ये तो आने के बाद कुछ दिनों तक रहता है, समय लगता है। यहाँ आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो अभी 26 मार्च तक ये स्टॉक आपको अपर सर्किट में चलते हुए दिख रहा था, और जब जब ये इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा था एक नया 52 वीक का हाई भी साथ में बन रहा था। नया 52 वीक का हाई मतलब एक नया टॉप, एक नया रिकॉर्ड शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ने के मामले में लग रहा था। अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ से देखिए प्राइस अब लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ, और लोअर सर्किट जब किसी स्टॉक में लगता है तो क्या होता है कि प्राइस जो लगता है आपको ऊपर की तरफ जा रहा था वो प्राइस अचानक से घूम जाता है और अचानक से नीचे की तरफ आने लगता है। तो कहाँ तक नीचे आएगा, ये प्राइस कितना नीचे आएगा और कहाँ तक आकर सपोर्ट लेगा और फिर कहाँ से ऊपर उठेगा, इन सब मुद्दों को इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ, कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, काम धाम के बारे में बात होगी। देखिए कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन जब आएंगे BSE में तो आपको कंपनी के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका ईमेल क्या है, यहाँ पे नीचे थोड़ा आएंगे तो आपको इन कंप्लायंस ऑफिसर का ईमेल भी दिख जाता है, RTA का वेबसाइट भी दिख जाता है यहाँ पे। तो यदि आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी कंपनी रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं इस कंपनी के काम और धाम की। देखिए तिल्स प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी बेसिकली नाम से स्पष्ट है कि प्लास्टिक से जुड़ी हुई कामकाज करती है, प्लास्टिक रिलेटेड ये आइटम्स बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है और उसमें बेसिकली ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग मतलब खरीद फरोख्त करना, जब कोई चीज़ को आप बनाते हैं और उसको बेचते हैं उससे पैसा कमाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये इसका काम हो गया। देखिए प्लास्टिक के सेक्टर में काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ऑलरेडी इस मार्केट में कुछ एस्टैब्लिश कंपनी है जो वेल नोन है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए यदि आप सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसके काम को तो नहीं देखे होंगे, आपने देखा होगा फंडामेंटल भी नहीं देखा होगा, आपने सिर्फ शेयर के प्राइस बढ़ते हुए दिखा होगा और आप में से बहुत से लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया होगा। तो खैर जो किया वो किया, बात करते हैं। देखिए काम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में इसके कंपनी में ग्रोथ आएगी इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑलरेडी से संबंधित बहुत सारे वेल नोन कंपनीज है जो लिस्टेड भी हैं, तो लोग जाहिर सी बात है इसमें पैसा लगाने की जगह उसमें लगाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल की। देखिए मार्केट कैप है सिर्फ 29 करोड़ के आसपास, बहुत सी छोटी कंपनी। मैं आपको बार बार कहता हूँ पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी तो कम से कम 50-100 करोड़ की कंपनी हो ताकि कोई छोटा व्यक्ति उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। अब ये 20-30 करोड़ की कंपनी है, कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, और वही हुआ भी है इसमें। जिस वजह से प्राइस के लगातार बढ़ने से देखेंगे स्टॉक का जो पी है 1400 पार तकरीबन 1500 के करीब चला गया, जबकि स्टॉक का पी आपको पता है 15 से 20 के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है। ये देखिए 15 से 20 छोड़िए 100 छोड़िए 4 डिजिट में चला गया है, तो जाहिर सी बात है प्राइस को नीचे आना ही था, स्टॉक का पी भी कम होगा यहाँ पे। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका आप देखेंगे यदि तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए माइनस में, तो यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में यहाँ कोई रिटर्न नहीं मिलने जा रहा है। आप नीचे जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे चार्ट पे, देखिए एक साल का चार्ट पर मैं दिखाना चाहता हूँ कितना लंबा प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, लगभग मई पिछले साल से उठना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके उठते ही रहा। ऑपरेटर्स ने इसको खूब उठाया और प्राइस को लेकर चले गए 70 रुपये करीब। अब प्राइस उठना कहाँ शुरू होता है, देखिए तकरीबन 0 रुपए से आप मान के चल सकते हैं प्राइस उठना शुरू हुआ और 70 रुपए तक गया, तो पहली बार इसमें जाके अब प्राइस नीचे की तरफ आपको घूमते हुए दिखा, इसके यहाँ पे पहली बार जाके प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। ये तो सत्य है कि ऑपरेटर्स के द्वारा इसके प्राइस को उठाया गया है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं जब आगे आपको दिखाऊंगा कंपनी का कोई सेल्स नहीं हो रहा है, कंपनी का कुछ कमाई नहीं हो रहा है, तो ये प्राइस उठ कैसे रहा, ये प्राइस उठ रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स के द्वारा। अब होगा क्या आगे, आगे ये होगा कि प्राइस रिट्रेसमेंट करने नीचे आ रहा है 60 रुपये या फिर 50 रुपये तक भी आ सकता है, 50 रुपये तक आगे प्राइस ठहरेगा जरूर ठहरेगा, और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके
प्राइस आपको 50 रुपये तक आने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ उठेगा। उठेगा तो ऐसा नहीं कि 70 रुपये तक आ ही जाएगा या 70 रुपये से ऊपर भी जा सकता है, वो बात की बात है, लेकिन हम मान के चलते हैं 50, कम से कम 50 रुपये तक आने के बाद प्राइस उठेगा और फिर 60-70 रुपये तक, 70 रुपये जहाँ से गिरना शुरू हो वहाँ तक ये जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, निकलना चाहते हैं तो आप अभी भी, हालांकि अभी तो मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए कि जब भी जैसे लोअर सर्किट हटे आप वहां पर बेच के निकल जाएं, या फिर जब रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर उठेगा तो वहां पर आपको मौका मिलेगा निकलने के लिए, फिर वहां पर आप बेच के निकल जाइए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता, कंपनी के मैनेजमेंट भी उसको उतना सही नहीं लगता, बाकी फंडामेंटल और काम और इस जो कंपनी काम करती है ये तो बिल्कुल काम की है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ तिरस प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।